इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आईपीएस यादव, एडिटर indiaaajkal.com, और मेरे साथ में दो वरिष्ठ मेरे साथी जो पेशे से डॉक्टर हैं। मीरा रोड में यहां पर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है GSK वेलनेस हॉस्पिटल। तो उसके दो शीर्ष कर्ता धर्ता मेरे साथ में हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं कैप्टन सुनील शर्मा जी, और आप हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी। तो आइए, जिनसे हम जानते हैं कि जो हॉस्पिटल आज शुरू हुआ है यहाँ पर मीरा रोड में, इसमें क्या क्या खास बातें हैं। सर प्लीज़ बताएं, इस हॉस्पिटल की क्या क्या खास बातें हैं जो दूसरों से अलग हैं। हाँ, ये हॉस्पिटल पहली चीज तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सिर्फ पर इसमें नेचुरोपैथी रिलेटेड टू वर्ड फ्री इंडिया मेडिसिन करना है। वर्ड फ्री मेडिसिन मतलब मेडिसिन और ऑपरेशन ख़त्म करने की हम लोगों ने होड़ ली है, समझ। इसलिए लिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है, गरीब होता है, डिस्चार्ज होते होते उसका इतना बड़ा बिल होता है कि जैसे वो कहीं से भी भर नहीं पाता, या तो मर जाता है या तो घर पे चला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम क्रिटिकल पेशेंट को एलोपैथिक से ट्रीट करके उसको डाइवर्ट टू नेचुरोपैथ पे करने की कोशिश करेंगे, और पेशेंट को जितना कम से कम खर्चे में डाइट एंड न्यूट्रिशन पे उसको ठीक करेंगे। अच्छा, डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, हर बीमारी जो है डाइट से ही शुरू होती है, और न्यूट्रिशन बेहतर नहीं होती तो बीमारी और बढ़ जाती है। तो हम उन रोगों का डाइट और न्यूट्रिशन पे इलाज करके उसको, डाइट को मेंटेन करके, न्यूट्रिशन मेंटेन करके उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेचुरोपैथी को लेकर सर बहुत ज़्यादा लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वजह क्या है, कैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्डर होता है? हाँ, लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये कि नेचुरोपैथी जो है वो तुरंत कोई चीज़ नेचर से रिलेटेड है, और नेचर अब ख़त्म होता जा रहा है, इन्वायरमेंट गंदा होता जा रहा है, लोगों को स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चल रहा है। स्ट्रेस लेवल हाई है, तुरंत भी कोई दवाई, बीपी बढ़ी तुरंत गोली खाई, शुगर हुआ चले गए डॉक्टर, शुगर वाले डॉक्टर ने दवाई दे दी, बुखार हुई, बुखार अगर पानी लिक्विड डिहाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो बुखार उतर जाएगी। हम तो बच्चों के डॉक्टर हैं, लेकिन हम मेडिसिन जो है थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। बच्चों को फीवर हुआ तुरंत दवाई देते हैं, बट हम ऐसे हैं कि मेडिसिन फीवर हुआ तो मत दो उसको, आप डिहाइड्रेशन मेंटेन करो, अपने आप धीरे धीरे फीवर डाउन हो जाएगा और वापस डिहाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो फीवर नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों की जो है बहुत सदियों पहले नेचर से ही ट्रीटमेंट होता था, ऐसा नहीं है कि हाँ अपने जो हम लोग डेली यूजेज में दाल चावल सब्जी धनिया पत्ती ये वो खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उसी में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमको खाना है नहीं खाना है या लिमिट में खाना है। अभी एक चम्मच नमक के जगह साला डेढ़ चम्मच खा रहे हैं, तेल का कोई भरोसा नहीं कौन सा तेल खा रहे हैं, बंद पैकेट का जमाना आ चुका है, तो स्ट्रांगनेस खत्म हो गई है ना। तो हम नेचर से नेचुरल चीज़ें खाएंगे ना और नेचुरल डाइट लेंगे तो हम अच्छी तरीके, विश्वास और भरोसा। आदमी सोचो राख, कोई बाबा राख दे देता है तो राख लगा के लोग ठीक हो जाते हैं, समझ गए। कोई बाबा पानी फूंक के दे देता है तो पानी पी के ठीक हो जाते हैं। तो भरोसा जिस पे भी करेंगे ना, वो कोई भी पैथी हो, पैथी कोई भी गलत नहीं है, मैं तो ये बोलूँगा, चाहे एलोपैथ हो नेचुरोपैथ हो कोई भी एनी पैथी लो, भरोसा जब तक आपका विश्वास डेवलप नहीं होगा, और कोई वो भी चीज़ क्वांटिटी और क्वालिटी की होनी चाहिए। अब हम खाना खा रहे हैं 3 दिन का सड़ा के फ्रिज में खा रहे हैं तो क्या होगा, बोलेंगे हम तो डाइट कर रहे हैं, हम तो एक ही चम्मच खाए थे, लेकिन ख़राब हो जाएगा ना। तो इसलिए हर भरोसा पहली चीज़ जरूरी है किसी भी पैथी पे, ठीक। बहुत अच्छी बात कही भरोसे की। तो मेरे ख्याल से क्योंकि एलोपैथी पे भरोसा हमेशा से है और आज भी है, लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, ऐसा भरोसा आयुर्वेद में और हमारी जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेरे ख्याल से 6 पैथीज हैं, जिसमें आयुर्वेद है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी है, इनमें सरकार
मैं कैप्टन साहब से ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आप सरकार से थोड़ा जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट से कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। सर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जो हमारी हिंदुस्तान की पैथीज हैं उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस कायम हो, जो कि नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास दिख नहीं रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने एक वो सवाल किया है जो आज वास्तव में भारत के समस्त नागरिकों के समक्ष रखा जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजों के भारत आने से पहले क्या हमारे यहाँ एलोपैथी थी? नहीं थी। एलोपैथी को अंग्रेज लेके आए, लेकिन क्या हमारे यहाँ ऐसा होता था कि बीमार होने पे इलाज नहीं होता था? हर चीज़ का इलाज हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के माध्यम से संभव होता था। योगा उस समय में इस कदर हर घर के अंदर होता था जैसे कि वो अनिवार्य हो। आज आप देखिए संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस इस कदर बढ़ गई है कि घर घर में आयुर्वेद को यूज किया जा रहा है, हर घर में। विदेशों के अंदर यह हालत आई है। योगा को आप देख लीजिए, जिस योगा को हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे अभ्यास करने से दूर रहते हैं, वह योगा संपूर्ण विश्व के हर देश के अंदर पूरे विश्व का एक अलग ही द्योतक। ये ठीक है, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से योगा को उन्होंने ये कर दिया है नेशनलाइज्ड। आयुर्वेद को भी बाबा रामदेव की वजह से काफ़ी उसको ख्याति मिली है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि बाबा रामदेव की जो आयुर्वेद की दवाएं हैं उनमें मिलावट है और उसकी वजह से लोग को बहुत तकलीफ हुई है, इस चीज़ की भी है। तो सर इस चीज़ का आपके जो एलोपैथी है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, एलोपैथी ऐसी ड्रग है, पहली चीज़ तो कंसेप्ट समझ लीजिए है क्या। एलोपैथी ड्रग जो है वो एक्यूट फेज के लिए बहुत अच्छी दवाई है। आपका जो एक्यूट बीमारी का एक्यूट सिस्टम है वो डायरेक्ट बाया बाया ना जाके इमीडिएट इफेक्ट करती है और आदमी को इमीडिएट आराम मिल जाता है। जैसे ले लीजिए बाईपास, किसी को चेस्ट पेन होना चला, हार्ट अटैक आ गया तो उसको पेन चालू होता है, पेन चालू होता है तो हम लोग सॉर्बिटेट करके दवाई उसको जीभ पे देते हैं, उससे काफ़ी सेटल हो जाता है, ब्लड पतला हो जाता है, उस टाइम कुछ हो जाता है स्मूथली, वो थोड़े देर तक जिंदा हो सकता है। जैसे आज किसी को आप पता है चलते फिरते कभी भी, मैं एक ऐसा डॉक्टर हूँ मेरे जेब में हर टाइम सॉर्बिटेट, मुझे कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दूसरों के लिए हमारे पर्स में ही रखते हैं, कभी भी किसी को अटैक आया तो दे दें, सस्ती दवाई है। तो एलोपैथ ऐसा है ना, एलोपैथ एक आयुर्वेदिक से एकदम डिफरेंट, आयुर्वेदिक या नेचर से रिलेटेड में कन्वर्ट होने के लिए एक्यूट फेज में आपको एलोपैथ लेना ही लेना है। बिकॉज अब मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे जो है एलोपैथ पढ़ाया गया, मैंने उसमें पढ़ाई की है, उसमें मेरी उसमें मेरी दक्षता है। और अपने मेरी एक और अच्छी चीज़ है कि मैंने एलोपैथिक आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ओरिएंटेशन कोर्स भी किया हुआ है। हाँ, तीनों को मिला के कोर्स किया है, जिसके लिए मुझे एक साल जो है इसके पीछे लगना पड़ा। दिस इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो हमने ओरिएंटेशन करके कि सबसे बेस्ट क्या है, सबसे जल्दी क्या है, ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक ख़राब है, हर का रूट है, दवाई का रूट होता है, सिस्टम होता है। नेचुरोपैथ कैसा है? नेचुरोपैथ इज द नेचर ही आप है। नेचर से अगर रिलेटेड, नेचर से आपने छेड़छाड़ की तो आप बीमार हो जाओगे। नेचर से आप साथ में, नेचर के साथ साथ हो। जैसे लोग बोलते हैं ये खा के ये पानी नहीं पीना चाहिए। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।